अगर आप सब्सक्राइब्ड हैं तो सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको मेरी वीडियोस उसी वक्त एग्जैक्ट मिल जाएंगी जब मैं उसे अपलोड करता हूँ। धरती का अंत। कुछ लोग कहते हैं कि धरती से कोई एस्टेरॉयड टकरा जाएगा और कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक होल धरती को निगल जाएगा। पर जब ये होगा तब तक साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि इन घटनाओं को साइंस शायद रोक ले। पर एक घटना है जो हो के ही रहेगी, चाहे आप जो भी कर लो, और असल में धरती इसी घटना के चलते ख़त्म हो जाएगी। सो लेट्स एक्सप्लोर द एंड ऑफ द अर्थ। धरती का अंत एक्चुअली सूरज के चलते ही होने वाला है। जब तक सूरज रहेगा तब तक धरती रहेगी। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि किसी तारे का अंत कैसे होता है। आफ्टर ऑल हमारा सूरज भी तो एक तारा ही है ना। किसी भी तारे की एनर्जी एक प्रोसेस से उत्पन्न होती है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। स्टार्स के अंदर हाइड्रोजन के एटम होते हैं और हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूज होकर हीलियम के एटम्स को बनाते हैं। इसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन से सूरज और बाकी तारों को उसकी एनर्जी प्राप्त होती है। और हीलियम एटम्स जो हाइड्रोजन एटम के मिलन से बनते हैं वो भी आपस में फ्यूज होना शुरू करते हैं और उससे इस तारे को और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनके हीलियम बनाता है, वैसे ही हीलियम और हीलियम मिलके कार्बन बनाता है। वैसे ही प्रोसेस चलती रहती है और नए नए एलिमेंट्स यानी तत्व फॉर्म होते हैं, जैसे नियॉन, ऑक्सीजन और आखिर में आयरन। बट जब आयरन की स्टेज आती है तब हालत थोड़ी बदल जाती है। आयरन आयरन को फ्यूज करने से एनर्जी नहीं पैदा होती है और उस स्टार की कोर में सारा आयरन इकट्ठा होते रहता है, और वो स्टार तब तक ठीक रहता है जब तक सारा ईंधन ख़त्म ना हो जाए। जब सारा फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो आखिर में ग्रेविटी अपना काम करने लग पड़ती है और वो स्टार अपने ही अंदर ढहने लगता है और उसका टेम्परेचर बढ़ता है और बढ़ता ही रहता है, और फाइनली वो स्टार कोलैप्स हो जाता है और आखिर में वो एक बार फैल के फट जाता है। इस घटना को हम सुपरनोवा कहते हैं। हमारा सूरज 4.5 बिलियन ईयर्स यानी 450 करोड़ साल पुराना है। अगले 500 करोड़ साल तक हमारा सूरज एग्जिस्ट करेगा, पर इसका टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा और इसका टेम्परेचर आखिर में 200 बिलियन डिग्री तक पहुंच जाएगा। आपको ये जान लेना चाहिए कि कोई भी तारा एज अ सुपरनोवा तब एंड होता है जब उसका मास बहुत ही ज़्यादा होता है, सूरज से करीब 8 से 12 गुना ज़्यादा। पर हमारा सूरज इतना बड़ा नहीं है, इसलिए सूरज सुपरनोवा का रास्ता ना लेकर एक दूसरा रास्ता लेगा। जब सूरज इस स्टेट में पहुंच जाएगा तब वो एक्सपैंड होने लगेगा और ये एक नॉर्मल स्टार से रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सूरज जो हमें अभी ज़िंदगी देता है, वही सूरज अपने तीव्र ताप से हमारी धरती के जीवन को ख़त्म कर देगा। उसके बाद अगले 700 करोड़ साल तक ये फैलता रहेगा और इसका साइज़ अभी के मुकाबले 200 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इतना बड़ा साइज़ कि वो सारे प्लैनेट्स को एक एक करके निगलना शुरू कर देगा। सबसे पहले मरकरी यानी बुध ग्रह, फिर वीनस यानी शुक्र ग्रह को, और आखिर में हमारी धरती को। ये एक ऐसी घटना है जिसे हम बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, और चाहे धरती ब्लैक होल से ख़त्म हो या ना हो, ये सूरज वाली घटना तो होनी ही होनी है। पर ऑफ कोर्स ये तो आपकी ज़िंदगी की टाइमलाइन में नहीं होने वाली, क्योंकि ये करोड़ों साल बाद होगी। सो सिट बैक एंड रिलैक्स। इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।